हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल अनुभव विद रवि के मैथ्स में स्वागत है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रवि और आपका स्वागत है मेरी क्लास अनुभव रवि के मैथ्स में। और दोस्तों, हमारी प्रश्नावली चल रही है घन एवं घनमूल, दूसरी प्रश्नावली है आपका। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके उदाहरण। अब हमने दोस्तों क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसका जो पहला उदाहरण है उसको देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है कि भाई क्या 729 एक पूर्ण घन संख्या है। 729 है ना, क्या एक पूर्ण घन, पूर्ण घन। अब पूर्ण घन का मतलब क्या होता है, मैंने बहुत सारा आपको सिखा दिया है पूर्ण घन। अब पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा। और घन का मतलब क्या होता है, तीन से मतलब होता है। इस प्रश्नावली में घन का क्या मतलब होता है, तीन से। और तीन का मतलब क्या होता है, तीन तीन के क्या बनने चाहिए, जोड़े बनने चाहिए। घन जब हम गुणनखंड करेंगे ना, तो तीन तीन के क्या बनने चाहिए, जोड़े, तभी क्या होगा, एक पूर्ण घन होगा। तो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट तक देखो, पूरा समझ में आएगा। अब है आपका संख्या क्या दी गई, हमें संख्या दी गई है 729। तो इसका क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं देखते रहना। यह आपका रहा 729। अब 729 में आपको भाग देना है सबसे पहले छोटी संख्या का। दो का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, एक विषम संख्या है। तो किसका भाग देंगे, तीन का भाग देंगे। तो तीन का भाग दो, एक तिरतीरी दो तिरी छह, बचा कितना, एक। और आगे क्या है, दो, यानी कि 12 हो गए। 12 में तीन का भाग दो, चार तिरी 12, फिर क्या है यहां पर, नौ। अब नौ में तीन का भाग दो, तीन तिरी नौ, ठीक है, तीन तिरी नौ। अब देखो तीन का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, सात तिरी 21 और आठ तिरी 24, पूरा चला गया ना, चला गया। अब तीन का भाग दो तीन में, तो तीन एकम तीन। अब तीन का भाग दो, किसका भाग दो, तीन का भाग दो, तो एक तिरी तिरी दो तिरी छह, बच गए कितने, आठ में से छह गए, जाने के बाद दो। अब दो है और आगे है एक, यानी कि 21। अब 21 में तीन का भाग दो, तो सातिया 21। अब 27 में तीन का भाग दो, नौ तिरी 27। अब तीन, नौ में तीन का भाग दो, तो तीन तिरी नौ। अब तीन में तीन का भाग दो, तो तीन एकम तीन। अब बताओ 729, 729 को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसके जो टुकड़े आएंगे ना, वो इसको हम, ये तो संख्या है, इसको एक बार आप ऐसे लिख लो, ठीक है, तीन इंटू तीन इंटू तीन, एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार छह बार। तो एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार और छह बार। अब घन का मतलब क्या होता है, तीन, और पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा। अब आपको क्या करने हैं, तीन तीन के जोड़े बनाने हैं पीछे से। एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो बताओ क्या तीन तीन के पूरे जोड़े बने हैं, बने हैं। तो ये क्या होगा, 729, यहां पर हम लिख सकते हैं 729 एक पूर्ण घन संख्या है। अगर दोस्तों यहां पर तीन तीन के जोड़े तो बन गए, अगर यहां पर एक तीन और आ जाता ना, तब ये पूर्ण घन नहीं होता, क्योंकि ये एडवांस में आ चुका है, यानी कि ये एक ज्यादा आ गए हैं। और हमें पता है कि घन में कितनी संख्या होती है, तीन तीन संख्या होती है, और पूरा पूरा तीन तीन का जोड़ा बनता है। तो अब बताओ 729 क्या एक पूर्ण घन संख्या है, तो है। यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमारा क्वेश्चन था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों, और पहला आपका उदाहरण है, अगर आप अपनी कॉपी में नोट करते हो साथ साथ में, यानी कि नोट्स बनाते हो, तो वो सबसे आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि अगर आप संजीव में या किताबों में पढ़ोगे तो आपको ज्यादातर समझ में नहीं आएगा। अगर आप यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हो टॉपिक वाइज टॉपिक बेसिक लेवल को, तो मेरी आपसे राय है कि साथ साथ रहो, साथ साथ कॉपी रखो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड देखते रहिए हमारे चैनल अनुभव विद रवि के मैथ्स को।